अब मुझे बताओ, है ना, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं ना। ठीक है, तो भाई तुम लोगों ने जैसे फिजिक्स में आता है भाई, एक अगला डाउट आता है कि भाई सर फॉर्मूले कैसे याद करें, 5-10 हज़ार फॉर्मूले हैं, 1000 फॉर्मूले, पता नहीं क्या क्या। तो तुम लोगों ने फॉर्मूला शीट वगैरह कुछ बनाई थी, फॉर्मूले कैसे याद करें, या फिर कॉन्सेप्ट से काम हो गया था, क्या करा था तुम लोगों ने, माइंड मैप्स वगैरह कुछ करे थे, तो एक एक करके बताते जाओ भाई। ओम, तुमसे स्टार्टिंग करते भाई। तो पूरी फिजिक्स में फॉर्मूले जो है सर क्लास में कहते रहते हैं, 120 के 140 के फॉर्मूले, और वो याद करना बहुत आसान चीज है, क्योंकि वगैरह याद करते हैं तो याद करने वाली बात नहीं है। मतलब सर से जितना पढ़ते हैं तो फॉर्मूले ज्यादा नहीं है। दूसरी बात की माइंड मैप्स बनाए थे कि शॉर्ट नोट बनाए थे, तो पूरी फिजिक्स में कोई भी माइंड मैप, कोई भी शॉर्ट नोट मैंने कभी नहीं बनाया, क्योंकि जो किसी भी चैप्टर के अंदर फिलोसॉफिक पॉइंट होते हैं, जैसे कि एनएलएम में मेरे ख्याल से 8 या 9 फिलोसॉफिक पॉइंट होंगे टोटल स्टार्टिंग से एंड तक, तो एंड में सिर्फ उसी को देखना होता है और पता रहता है कि यार ये कॉपी के लेफ्ट साइड वाले पन्ने में ऊपर साइड में लिखा है, राइट साइड पन्ने नीचे साइड में लिखा है, मतलब अपने आप धीरे धीरे होते जाता है, तो शॉर्ट नोट्स की आवश्यकता नहीं पड़ती। और माइंड मैप तो ऐसा मैंने मतलब ज्यादा जानता ही नहीं हूँ क्या होता है रियलिटी। वेरी गुड, वेरी गुड। तुम बताओ भाई गौरी, तुमने क्या करा था, कोई फॉर्मूला शीट वगैरह बनाई, कुछ करा माइंड मैप वगैरह, कुछ बताओ ऐसा कुछ। नहीं, मैंने जब डीपीपीएस करी थी, एचसी वर्मा करी थी, तो प्रॉब्लम आती थी फॉर्मूला याद करने में, प्रॉब्लम आती थी तो तुरंत कॉपी खोल के देख लो कि क्या था फॉर्मूला। तो आई थिंक जब एक चैप्टर के 200 क्वेश्चंस, 100 क्वेश्चंस अगर कर लिए हैं तो फॉर्मूला ऑटोमेटिकली याद हो जाते हैं। और इवन बार बार पढ़ने से, मैंने एग्जाम से एक हफ्ता पहले शायद 2-3 बार पूरी फिजिक्स रिवाइज की थी, तो जस्ट ओके। बिकॉज क्योंकि मुझे फॉर्मूला याद करने में बहुत दिक्कत होती थी, तो ठीक है। बार बार बस उसको पढ़ के रीड करके फॉर्मूला याद हो जाते हैं, रिकॉल करने में बहुत तुमने आसानी फॉर्मूला होती शीट है। नहीं बनाई पर कभी अलग से शॉर्ट नोट्स या फॉर्मूला शीट? नहीं, ठीक है। अलग से नहीं बनाई क्योंकि मेरे नोट्स ही इतने प्रिसाइज होते हैं, आई मीन आपके नोट्स, तो नहीं, तुम्हारे ही उसमें हैं नोट्स, तुम्हारे ही हैं, दो दो लोगों के होते कॉम्बिनेशन। ठीक फिर है। जो आप स्लाइड पे लिखते हैं वही होता है नोट्स में। आई थिंक फॉर्मूला, फॉर्मूला का एक्सप्लेनेशन, उसका एप्लीकेशन कहाँ और प्रेजेंटेशन पे, ऊपर। और उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल कि वो एग्जैक्टली कहाँ एप्लीकेशन होता है उसका, उसके साथ अगर पढ़ोगे तो फॉर्मूला में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो बिल्कुल। वैसे ही बनते हैं नोट्स और वैसे ही बनाने चाहिए, सर वैसे ही बनवाते हैं। तो बिल्कुल। आई थिंक बार बार पढ़ने से और बार बार रिकॉल करने से, क्वेश्चंस करने से नोट्स मतलब फॉर्मूला याद हो जाएंगे, ठीक उसकी अलग से टेंशन नहीं लेनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। इंडीड गौरी ने एक चीज़ बहुत अच्छी बोली है, अगर गौर फरमाया तो, जब तुम क्वेश्चन कर रहे हो और तुम्हें फॉर्मूला याद नहीं आ रहा तो नोट्स खोल के देखो, इसको चीटिंग नहीं बोलते फिजिक्स में, तो तुम चाह के भी चीटिंग नहीं कर सकते बेटा। फिजिक्स कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है, इसमें चीटिंग जैसा कुछ नहीं होता, नोट्स साथ में रख के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जब तुम पहली बार, जब तक किसी चैप्टर में 50-100 क्वेश्चन नहीं कर रहे, तुम कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कर रहे हो, फॉर्मूले साथ में रखो, फिजिक्स में चीटिंग जैसी कोई चीज़ नहीं होती। पूरी फिजिक्स में 100 के अराउंड फॉर्मूले वो अपने आप याद हो जाते हैं जब तुम इतने क्वेश्चन करते हो तो, ठीक है। और जब तुम फिर बाद में प्रैक्टिस करोगे, जब रिवीजन करोगे, तो वो सब तुम्हारे दिमाग में ऑलरेडी होगा, उस समय तुम्हें नोट्स खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर स्टार्टिंग में जब तक तुम 100 क्वेश्चन ना कर लो, नोट्स हमेशा साथ में रख के बैठना चाहिए, उससे मल्टीपल रिवीजन होते हैं नोट्स के। ठीक है, संदीप तुम बताओ भाई। मैम, मेरा तो ये है कि मतलब अगर कोई चैप्टर आपने एक बार पढ़ लिया तो सर बच्चे क्या करते हैं कि तुरंत क्वेश्चन लगाने बैठ जाते हैं अंदर। तो मैं ये बोलूंगा कि जब आपने एक चैप्टर पूरा अच्छे से कर लिया है ना सर, तो अपने नोट्स को एक बार रिवाइज कर लो ठीक और है। उसे वहीं साइड में रखो, जैसे गौरी कह रही है ना कि आप फिर क्वेश्चन लगाने बैठ जाओ, और फिर जो चीजें याद नहीं आ रही उन पर फिर ज्यादा स्ट्रेस दो। मतलब क्योंकि क्वेश्चन करते करते कुछ चीजें तो हम बोलेंगे सर, जैसे फॉर्मूला हो गया या कोई कॉन्सेप्ट हो गया या कोई तरीके की मतलब डायग्राम में इशू आ रहा है। और फिजिक्स में एक बात तो, और हमेशा डायग्राम तो हमेशा ही बनाओ कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो। और दूसरा ये कि टाइम वेस्ट, इसमें टाइम वेस्ट होता है सर, कि मतलब फॉर्मूला लिख लिए सारे और बहुत अच्छे से कॉपी बना के रख ली, बट मैटर तो वही करता है ना सर, उसे आप कितनी नंबर ऑफ रिपीट दे रहे हो, मतलब कितने बार उसे रिवाइज कर रहे हो, और उसमें बहुत सारी चीजें मिस हो जाएंगी सर, कि अगर मैंने फॉर्मूला ही फॉर्मूला लिख लिया, एग्जाम में वो चीज स्ट्राइक नहीं करेगी। अगर अपने पूरे कंप्लीट नोट्स को थॉरो रिवाइज करोगे बार 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 बार, तो आपको पूरे एक होता है ना 360 डिग्री डायमेंशन से क्वेश्चन एकदम छोड़ दोगे जगह से। तो बिल्कुल नोट्स को बिल्कुल। ज्यादा रिवाइज करो, फॉर्मूले को मत सोचो कि फॉर्मूला याद नहीं हो रहा या कुछ नहीं हो रहा, मतलब नोट्स को बार बार, पेजेस को हर दिन पलटो, मतलब पलटने से ही वो विजुअल वाली जो मेमोरी होती है ना सर, वो जनरेट होने लगेगी धीरे धीरे, बिल्कुल बिल्कुल तो उससे काफी हेल्प बिल्कुल बिल्कुल सही है, सही है। हुई। यही एग्जैक्टली यही करना होता है ना। ठीक है, तो देखो फॉर्मूला शीट तो मैं क्लियरली बिल्कुल ब्लंट शब्दों में कहूँगा, इट इज़ द कंप्लीट वेस्टेज ऑफ टाइम, है ना।
शॉर्ट नोट्स भी वैसे बनाने की फिजिक्स में, तो बाकी सब्जेक्ट में पता नहीं, फिजिक्स में तो जरूरत नहीं होती, मेरे स्टूडेंट्स तो नहीं बनाते कभी, है ना। पर अगर तुम बनाना चाहते हो तो बना लो, मैं ये भी नहीं कहूँगा, शॉर्ट नोट्स बनाना है तो बना भी लेना, वो तुम्हारी मर्जी देखो, है ना। पर जो स्टूडेंट मुझसे पढ़ रहे हैं उनके पास फिजिक्स वाले पॉइंट्स होते हैं तो उनको जरूरत नहीं है ना। पर फॉर्मुला शीट कभी मत बनाना, वो कंप्लीट वेस्टेज ऑफ टाइम है। फॉर्मुला शीट और माइंड मैप्स आर कंप्लीट स्कैम, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। चलो भाई अश्विनी, तुम बताओ तुमने क्या करा था। सर मैंने भी फॉर्मूला ऐसे अलग से याद करने के लिए तो कभी ट्राई नहीं किया, मतलब मोस्टली फॉर्मूला क्लास में याद हो जाते थे, इतने सारे क्वेश्चन करते थे तो अपने आप ही माइंड में बैठ जाते थे सारे फॉर्मूले। बाकी माइंड मैप वगैरह शॉर्ट नोट्स तो मैंने भी कभी नहीं बनाए, किसी भी सब्जेक्ट में नहीं बनाए मैंने। ठीक है, चलो अच्छी बात है, अच्छी बात है। मैं मतलब फॉर्मूले याद करता था बट मैं मोस्टली ये ध्यान रखता था कि ये फॉर्मूला कहाँ पे गलत है। ठीक है, तो वो मेरे को काफी लग पाता था उन चीजों के, वो वैलिडिटी वाले पॉइंट। यस सर, बाकी फॉर्मूला तो याद हो जाते हैं मतलब जैसे जैसे प्रैक्टिस करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ना, तो यही है भैया ना, मतलब फॉर्मूले ऐसे अलग से याद नहीं करने होते ना, मुश्किल से 50-100 फॉर्मूले हैं फिजिक्स में, वो हो जाते हैं जब तुम क्वेश्चन करते हो, वो तुम अपने आप तुम्हारे दिमाग में बच जाते हैं। चार चैप्टर हैं जिसमें थोड़े से ज़्यादा फॉर्मूले होते हैं, जैसे सेंटर ऑफ मास के, तो उनको एक बार देख के साइड में याद करना होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, फिर तुम्हारे जब 12th में आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल, इनके फॉर्मूले थोड़े से करने होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स और वो, तो इनको एक बार साथ में लिख के याद कर लेते, तो बाकी कहीं ऐसा कुछ है नहीं, मतलब ऐसा कुछ खास याद करने वाला फॉर्मूले का, है ना। ठीक है चलो भाई आगे बढ़ते हैं ना। ठीक है, तो ये वाली चीज़ भी क्लियर है भाई, है ना सबको, है ना।